वेलकम मेरे साथियों, स्वागत है आपका समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल जो रखे सबसे पहले आपको अपडेट। तो गाइस एक लेटेस्ट अपडेट आई है हमारे पास, और यह लेटेस्ट अपडेट कौन सी है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड जो 10th और 12th का रिजल्ट है तो वह डिक्लेयर हो चुका है। जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि मैंने 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है, बट गाइज आपका 10th का रिजल्ट भी अभी घोषित होना बाकी था। तो आज जो है 10th का रिजल्ट भी आ चुका है, और जो विद्यार्थी 12th ओकेशनल वाले थे, मतलब जो स्टेनोग्राफर वाले जो अदर कोर्सेस करते हैं, तो उनका भी रिजल्ट जो उनके बैक आई थी, मतलब जिन्हें जो है सप्लीमेंट्री लगी थी, उनका भी रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलूंगा कि कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है कि और आगे आपको परेशानियां क्या होने वाली है रिजल्ट चेक करने में। और गाइज जब आप लोग जो है 11th में एडमिशन नहीं लिया है तो वह अब क्या करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, हम आपको एकदम लेटेस्ट रखते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो देखिए परीक्षा परिणाम इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखूंगा, तो डायरेक्ट आप लोग वहां से जाकर अपना रिजल्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 12th क्लास ओकेशनल कोर्स का रिजल्ट आज ही आया गाइज, अभी जस्ट आधा घंटा हो चुका है यह रिजल्ट आया है। और देखिए जो 10th वाले, देखिए HSCL मतलब ये है क्या है गाइस, हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो है 10th सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। देखिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट न्यू लिखा हुआ है, ठीक है गाइस ये न्यू। चलिए इस पर क्लिक करता हूँ, क्या क्या लगने वाला है आपको। तो आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा वह आपको लगने वाला है। देखिए गाइस हाई स्कूल सर्टिफिकेट का आपको क्या लगने वाला है, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर लगने वाला है। देन उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है आपका परीक्षा परिणाम। देन मुझे कमेंट्स करके बताइए, जो विद्यार्थी पास हो जाते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कितने विद्यार्थी इस रिजल्ट में पास हो चुके हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई है। और जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया, मतलब जो है फेल हो गए, तो उनके लिए क्या योजना है। तो उनके लिए गाइस एक सरप्राइज है, जो रुक जाना नहीं योजना के थ्रू वह जो है पुनः अपना पेपर जो उनका बैक हुआ है जिसमें पास नहीं हो पाया, तो वह ओनली उसी का ही एग्जाम आपको रुक जाना नहीं योजना में देना पड़ेगा। तो आशा करता हूं गाइस कि यह न्यूज आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ गाइस मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।